यूपी के सीतापुर कोतवाली क्षेत्र महोली ग्राम सभा वासी कंचन अवस्थी पत्नी रमाकांत अवस्थी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ागांव नहर में मिला। मृतक कंचन के पिता श्रीपाल दीक्षित के अनुसार उन्हें रिश्तेदारों से खबर मिली कि उनकी लड़की कंचन के साथ घटना हुई है और जब वह मौके पर पहुंचे तो ना ही उनकी लड़की की लाश मिली और ना ही ससुराल वाले। उन्होंने बताया कि उनकी लड़की की शादी 3 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से व आवश्यक दान दहेज देकर हुई थी, लेकिन ससुराल वाले उनके दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। वह 2 लाख रुपए की और मांग कर रहे थे, जिसके कारण उनकी लड़की को आए दिन मारते पीटते व जान से मारने की धमकी देते। इसी के चलते उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसे मार कर नहर में फेंक दिया। सीएम योगी जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरी बहन का न्याय दिया जाए और ये सारे हमारे गांव वाले सारे सब लोग आए न्याय मांगने के लिए यहां पर। यहां पुलिस प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, डेड बॉडी पड़ी रही, रिक्शे से खींच के लेके गए उसे, उसकी बुरी हालत कर दी हमारी बहन की डेड बॉडी की। एक भी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, मुलजिम फरार कर दिया और पुलिस वालों ने, मुलजिम था जब हमें सूचना मिली, हमारे मुलजिम उस टाइम तक था जैसे ही हम पहुंचे थाने में। कोतवाली का मामला है, ये कोतवाली मोहली का मामला है, वहाँ के एसओ ने कहा तहरीर लिख के दे दीजिए हम देखेंगे। उसके बाद तक कोई सुनवाई नहीं करी, हमें ये भी नहीं पूछा भैया क्यों खड़े क्यों बैठे, दूसरा सिपाही आके कहता भैया जाओ जाओ यहाँ क्यों खड़े हो।